हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं इंटेक्स के ब्लूटूथ स्पीकर की अनबॉक्सिंग रिव्यू एंड साउंड टेस्ट। दोस्तों इसका मॉडल नंबर है इंटेक्स IT202 एंड दोस्तों अभी इसका करंट प्राइस चल रहा है 1000 रुपीज। अगर आपको ये स्पीकर को परचेस करना होगा तो आप पीसी मीडिया से परचेस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं पीसी मीडिया का कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा। बाकी दोस्तों यार हम देखिए आपके लिए पोर्टेबल स्पीकर की वीडियो भी लेकर आ रहे हैं। हमने बहुत सारे पोर्टेबल स्पीकर की वीडियो आपको दे दी है। सो यार अगर आपको ब्लूटूथ स्पीकर्स की वीडियोस देखने का भी शौक है तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम इसका बॉक्स डिटेल में दिखा देते हैं आपको। देखिए बॉक्स पर हमें मॉडल का पूरा डिजाइन बना हुआ मिल जाता है। इंटेक्स दोस्तों क्या है कि इंडियन ब्रांड है, तो यहाँ पर लिखा हुआ भी है, देखिए मेड इन इंडिया, मॉडल नंबर मेंशन करा हुआ मिल जाता है। साथ में दोस्तों इस साइड पर देखिए हमें बहुत सारे फीचर्स के बारे में मेंशन करा हुआ मिल जाता है, जैसे कि इस पर रिचार्जेबल बैटरी मिल जाती है, फ्रंट RGB लाइट इफेक्ट मिलता है, FM रेडियो मिलता है, कैरियोके माइक का सपोर्ट हमें मिल जाता है, TF कार्ड, ऑक्स, USB, मोबाइल होल्डर, ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट मिलता है, 4 इंच का डायनेमिक ड्राइवर हमें मिल जाता है, TWS फीचर हमें मिल जाता है, साथ में इजी टू कैरी हैंडल यानी कि हैंडल भी हमें इस पर मिलता है। तो ये सारी चीज़ों का हमें इस पर सपोर्ट मिल जाता है। तो चलिए अब अपने बॉक्स को ओपन कर लेते हैं एंड आपको स्पीकर को डिटेल पे दिखाते हैं। दोस्तों बॉक्स हमने ओपन कर लिया है। देखिए सबसे पहले हमें माइक्रो USB केबल मिल जाती है, इससे दोस्तों स्पीकर को हम चार्ज कर पाएंगे। बट ये मेरे को एक थोड़ा सा ड्रॉबैक लगा है, क्योंकि आजकल आप सबको पता है टाइप सी की चार्जिंग हमें स्पीकर्स पर देखने को मिलती है। बट दोस्तों बॉक्स के अंदर हमें वायर्ड माइक मिल जाता है, यानी कि कॉर्ड वाला माइक मिल जाता है। तो यार ये मुझे काफ़ी बढ़िया लगा है। 1000 रुपये का स्पीकर है एंड उस पर भी हमें बॉक्स के अंदर माइक देखने को मिल रहा है। सो कैरियोके लवर्स के लिए तो ये स्पीकर बढ़िया होने वाला है। आगे माइक टेस्टिंग भी आपको डिटेल पे कराएंगे। चलो दोस्तों अब अपने स्पीकर को भी अनरैप कर लेते हैं। अरे वाह, स्पीकर का जो डिज़ाइन है यार वो देख के तो मज़ा आ गया। काफ़ी छोटा सा है बट ये ब्लूटूथ स्पीकर के हिसाब से देखा जाए तो साइज इसका बड़ा है, मतलब देख के तो मज़ा आ रहा है। साथ में अगर मैं वेट की बात करूं तो दोस्तों 700 ग्राम्स का है। चलिए सबसे पहले हम स्पीकर को ऑन करते हैं एंड जो सामने की तरफ से RGB लाइट इफेक्ट मिलता है वो चीज देखते हैं कैसी लग रही है। वेलकम टू इंटेक्स। द ब्लूटूथ डिवाइस इज रेडी टू पेयर। गाइस ये चीज सुन के ही समझ में आ रहा है, लाउडनेस तो बहुत तगड़ी होने वाली है स्पीकर की। एंड देखिए सामने की तरफ से ही हमें RGB लाइट इफेक्ट मिलता है। आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि यार आप लोगों को कैसा लग रहा है। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो दोस्तों मुझे ये ठीक ही लग रहा है, उतना खास भी नहीं है, उतना बेकार भी नहीं है। एंड जो इसकी ब्राइटनेस है RGB की, ये भी उतनी पावरफुल नहीं है, हमें अपनी लाइट्स को बहुत कम करना पड़ा है तभी आपको ये लाइट इफेक्ट देखने को मिला है। अगर हम फुल लाइट्स कर देंगे अपने रूम की तो ये लाइट आप नहीं देख पाएंगे, मतलब थोड़ी वीक लगी है क्वालिटी वाइज भी। चलिए अब मैं आपको स्पीकर को थोड़ा डिटेल में दिखा देता हूँ। सबसे पहले देखिए हमें स्पीकर को होल्ड करने के लिए हैंडल इस पर मिल जाता है। हैंडल के नीचे देखिए हमें मेटल की ग्रिल इस पर मिल जाती है। अंदर से हमें 4 इंच का डायनेमिक ड्राइवर इस पर मिल जाता है। इंटेक्स की ब्रांडिंग मिलती है। स्पीकर के अगर मैं टोटल पावर आउटपुट की बात करूं तो दोस्तों 12 वाट्स की साउंड आउटपुट हमें इस पर मिलती है। क्वालिटी जो है दोस्तों प्लास्टिक की है, बिल्ड क्वालिटी, बट ठीक है, मतलब अगर हाथ से गिर जाएगा तो इतनी आसानी से ये ब्रेक नहीं होगा। बैक साइड पर ही देखिए हमें सारे पोर्ट्स मिल जाते हैं। सबसे पहले देखिए पावर ऑन ऑफ का स्विच मिल जाता है, USB पोर्ट मिल जाता है, माइक्रो USB पोर्ट मिलता है, यहाँ से स्पीकर चार्ज होगा, SD कार्ड स्लॉट मिल जाता है, यहाँ पर हम अपने माइक्रो SD कार्ड को लगा पाएंगे। साथ में दोस्तों हमें कुछ बटन्स भी मिल जाते हैं। इस वाले बटन से दोस्तों हम वॉल्यूम को डिक्रीज करेंगे, यहाँ पे से दोस्तों हम मोड को चेंज करेंगे, साथ में प्ले पॉज का भी काम करेगा ये। एंड इस वाले बटन से दोस्तों हम वॉल्यूम को इनक्रीज करेंगे, साथ में प्रीवियस नेक्स्ट भी हम इनसे कर पाएंगे। एंड देखिए हमें माइक पोर्ट भी मिल जाता है, यहीं पे दोस्तों जो हमारा वाइड माइक है कनेक्ट होगा। एंड नीचे से देखिए हमें बेस पोर्ट मिल जाता है, यहाँ पे से क्या है कि थोड़ी सी एयर पास हो रही है। तो सही है स्पीकर, मतलब 1000 के हिसाब से तो ठीक ही कहूँगा मैं, उतना बुरा भी नहीं है। अब इसकी साउंड क्वालिटी टेस्ट करते हैं एंड देखते हैं कि यार परफॉर्मेंस हमें कैसा मिलता है। तो देखिए हमने अपना फ़ोन ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट कर लिया है एंड इस पर बैटरी परसेंट भी शो हो रही है। प्लीज़ आप लोग अपने हेडफोन्स का यूज़ करिएगा, तभी आपको एग्जैक्ट में ऑडियो क्वालिटी का पता लग पाएगा। एंड रेडी रहेगा, जल्दी इसका हिंदी पे भी साउंड टेस्ट आ जाएगा इंस्टाग्राम पर। सो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक दे दूंगा। तो चलिए ऑडियो टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। Oh,
मेरे रांझे बता दे मेरी गड़बड़ी, कर ले मुखबरी ना कर जोरा जोरी। दोस्तों यार हमने इसका ऑडियो भी आपको काफी डिटेल में टेस्ट करवा दिया है एंड मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि यार इस स्पीकर की ऑडियो क्वालिटी कैसी हमें मिल जाती है। दोस्तों अगर आपको थोड़ा लाउड स्पीकर चाहिए, आपको पार्टी के लिए चाहिए, बट यार आपका बजट उतना ज़्यादा नहीं है, केवल 1000 रुपये तक का ही आपका बजट है, तो आप क्या है कि इस स्पीकर को परचेज कर सकते हैं। मतलब कि होने को तो दोस्तों यार पोर्टेबल स्पीकर है, बट मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ ना, ये पार्टी स्पीकर वाला साउंड कर रहा है। आपको 1000 रुपये में बहुत तगड़ी लाउडनेस मिल जाएगी। अगर आप लोग आउटडोर में बजाने के शौकीन हैं, आपको पार्टी करनी है, तब के लिए ये बेस्ट रहेगा। बट दोस्तों यार जिनको क्वालिटी वाला साउंड चाहिए, जिनको नोट्स बिल्कुल क्लियर सुनाई दें, ऐसा वाला स्पीकर चाहिए, तो उन लोगों के लिए ये स्पीकर नहीं है। बिल्कुल भी मत परचेस करिएगा, आपका पैसा पूरा वेस्ट हो जाएगा। ये स्पीकर उन्हीं लोगों के लिए जिनको लाउड स्पीकर चाहिए एंड थोड़ा पार्टी के लिए चाहिए, उन्हीं लोगों के लिए बढ़िया है। क्वालिटी वालों के लिए ये बेटर ऑप्शन नहीं है, वो लोग दूसरे ब्लूटूथ स्पीकर को परचेस कर सकते हैं। सो मेरे हिसाब से मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको क्लियर बता दिया कि यार ये स्पीकर किन लोगों के लिए है एंड किन लोगों के लिए नहीं है। चलिए अब दोस्तों इसकी माइक क्वालिटी भी टेस्ट कर लेते हैं एंड देखते हैं कि यार माइक का परफॉर्मेंस कितना बढ़िया हमें मिलता है, क्योंकि एक कैटेगरी दोस्तों कैरियोके लवर्स की भी है, क्या पता अगर माइक क्वालिटी इसकी बढ़िया हो तो वो लोग इसे परचेस करें। सो चेक कर लेते हैं। हेलो 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 है, ठीक है, पर उतना खास नहीं है, डिले भी हो रहा है आवाज पे। हेलो हेलो, पर यार ये है कि 1000 रुपये में मिल रहा है। अगर आपको गाने वाने का शौक भी है तब भी आप इस स्पीकर से कैरियोके का मजा भी उठा पाएंगे। हेलो हेलो, सो टेस्टिंग हो गई है माइक की भी, काम अच्छा कर रहा है। आप सबको बताया यार, अगर आप एक माइक भी खरीदने जाएंगे ना मार्केट में तो 700-800 रुपये का मिलेगा, अगर अच्छा वाला खरीदेंगे तो 1500-2000 रुपये का तो वो भी मिलेगा। यह 1000 रुपये में स्पीकर के साथ माइक भी दे रहा है इंटेक्स, तो ये चीज़ बहुत बढ़िया है। मतलब जिन लोगों के पास बिल्कुल बजट नहीं है वो लोग शौक पूरा कर सकते हैं 1000 रुपये में। सो माइक भी टेस्ट हो चुका है इसका। अब दोस्तों बात कर लेते हैं बैटरी बैकअप की, कि यार बैटरी कितनी बढ़िया चलती है इसकी, क्योंकि माइक की भी हमने टेस्टिंग आपको दे दी, ऑडियो की भी टेस्टिंग दे दी, सो बैटरी बैकअप के बारे में भी तो जानना आप लोगों के लिए ज़रूरी है, तभी आप इसे परचेस करेंगे। दोस्तों यार यहाँ पर ये स्पीकर बेटर ऑप्शन नहीं है, टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। 1200 mAh की बैटरी हमें मिलती है एंड 4 घंटे का दोस्तों स्पीकर को चार्जिंग में टाइम लगता है एंड केवल 3 घंटे का प्ले ऑन टाइम हमें स्पीकर पे मिलता है, वो भी कंपनी के अकॉर्डिंग। अगर हम इसको मैक्स वॉल्यूम में लाइट्स ऑन करके यूज़ करेंगे तो मेरे हिसाब से ये 1 घंटा चलेगा। सो यहाँ पर दोस्तों बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक है मेरे अकॉर्डिंग। अगर आप लोगों को अच्छा बैटरी बैकअप वाला स्पीकर चाहिए ना, तो ये स्पीकर आप लोगों के लिए बेटर ऑप्शन नहीं है, बिल्कुल भी मत परचेज करेगा, आपका पैसा बहुत बुरी तरीके से वेस्ट हो जाएगा। मतलब कि होता ही है, अब 1 घंटा चलेगा तो आप लोगों को भी लगेगा ही कि यार ये तो कुछ भी नहीं चल रहा है, तो बहुत ही बेकार निकला बैटरी के अकॉर्डिंग। मतलब बैटरी बैकअप इस पर बेटर नहीं है। बाकी दोस्तों मैंने स्पीकर के रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, फिर भी आपका कोई डाउट रहेगा तो ज़रूर से यार कमेंट करके पूछ लीजिएगा। सो फ्रेंड्स ऐसा करता हूँ यार, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप लोग हमें फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।